अधिवेङ्कटशैलमुदारमते जनताभिमताधिकदानरतात् परदेवतया गदितान्नगमये कमलादयितान्न परं कलये। परम प्रिय स्नेहीजनों, बंधुओं, परमपिता परमात्मा भगवान नारायण एवं आदित्यादि देव आदित्यादि नवग्रह देवता सदैव हमारे ऊपर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और मन में हम पवित्र भावना रखते हैं और पवित्र भावनाओं के साथ हम नित्य निरंतर अपने प्रगति मार्ग की ओर बढ़ते हैं। उनमें से हर सप्ताह हम जानते हैं कि हमें अपने राशि के अनुसार किस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिससे सदैव हम सफलता की ओर बढ़ते रहें। इसमें से सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह आपके शत्रु शांत रहेंगे, आपकी अपनी ओर से आप विवाद उत्पन्न ना करें, आप अधिक बे में घर में परिवार में क्लेश उत्पन्न हो सकता है, हानि दुर्घटना से आपको बचना होगा, आपको जोखिम उठाने से भी बचना होगा, अत्यधिक आवश्यक जो खर्चे हैं वो आपके होते रहेंगे। आपके लिए यह सप्ताह आप यदि खैर का एक वृक्ष आप लगा सकें, ध्यान दें आपको खैर का वृक्ष घर में नहीं लगाना है, कहीं बाहर गमले में आप लगा सकें तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। बात करेंगे हम वृष राशि की। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह प्रतिद्वंद्वी आपके परास्त होंगे, अधिक अधिकारी वर्ग से आपको काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा, लाभ के अवसर आपको काफ़ी अच्छे प्राप्त होंगे, प्रसन्नता आपकी बनी रहेगी, आत्मविश्वास में आपके काफ़ी वृद्धि होगी। आपके लिए यदि आप इस सप्ताह एक गूलर का वृक्ष यदि आप लगा सकते हैं कहीं पार्क इत्यादि स्थानों में तो आपके लिए वह काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। बात करेंगे हम मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह राज्य से कष्ट हो सकता है, यात्रा शुभ फल आपको प्रदान करेगी, शुभ समाचार आपको मिलते रहेंगे, भाग दौड़ से आपको ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, आपके व्यावसायिक खर्चे में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। आपके लिए यदि आप तुलसी का पेड़ यदि घर में लगाएंगे, तुलसी का वृक्ष आप लगाएंगे तो आपके लिए काफ़ी लाभ प्राप्त होगा, आपको काफ़ी लाभ उससे आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, आपके लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। बात करेंगे हम कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए जातकों के लिए सप्ताह अचानक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, यात्रा के योग बन सकते हैं, पराक्रम से आपके कार्य बनेंगे, उत्साह में आपकी वृद्धि होगी, आपको सुखद अनुभव प्राप्त होंगे। आपके लिए यदि पलाश का पेड़ कहीं आप लगाएंगे, पलाश का वृक्ष यदि आप लगाएंगे तो आपके राशि के हिसाब से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे हम सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मेहनत उत्तेजित होकर कोई कार्य नहीं करना होगा, परिश्रम से और धैर्य से उनको कार्य करना होगा, उसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा, आप धैर्यपूर्वक कार्य करेंगे, कहीं से नौकरी आदि के भी आपके उत्तम योग बनेंगे। आपके लिए यह सप्ताह यदि आप अर्क का एक वृक्ष लगाते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे हम कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आपकी कोई कीमती वस्तु आपके कहीं से खोने की आप शंका हो सकती है, खोने की समस्या हो सकती है, आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, आप अपने द्वारा किए गए कार्यों पर आप पूर्ण योजनाबद्ध होकर के उन कार्यों को आप करेंगे तो आपको शीघ्र लाभ प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। आप कोई हरा पौधा यदि घर में आप लगाएंगे तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे हम तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह चोरी चपेटी से बचना होगा, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, योजनाएं आपकी काफ़ी लाभ देंगी, आप साक्षात्कार परीक्षा में
आपको काफी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। मित्रों से मेलजोल आपका उत्तम रहेगा। आपके लिए यदि आप भी घर में यदि तुलसी का पौधा लगाएंगे तो आपके लिए काफी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। तीर्थाटन का योग बनेगा। राजकीय सहयोग आपको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगा। मनोरंजन आदि के भी योग बन सकते हैं। बाहर घूमने का भी योग बन सकता है आपके लिए। यदि ये गुड़हल का फूल आप यदि घर में लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे हम धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह विवाद इत्यादि में मन आपका इसमें भ्रमित रह सकता है। दुर्घटना आदि से आपको बचना होगा। लाभ के अवसर हाथ से निकल जाएंगे, अतः उन्हें प्राप्त करने को आपको पूर्ण प्रयत्न करना होगा जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। आपके लिए यदि केले का पेड़ कहीं मंदिर में आप दान करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे हम मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह प्रतिद्वंद्वी आपके निश्चित ही अपनी योजनाओं में विफल होंगे। प्रेम प्रसंगों में आपकी अनुकूलता रहेगी। संपर्कों का आपको उत्तम लाभ मिलेगा। व्यापार निवेश आदि में आपको लाभदायी उत्तम व्यवस्था आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए यदि आप शमी का पेड़ कहीं आप बाहर घर से बाहर ध्यान दें, शमी का पेड़ घर में नहीं लगाना है, घर से बाहर कहीं बगीचे में उद्यान में या पार्क में आप लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बात करेंगे हम कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह आपको थोड़ा स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। संपत्ति के सौदे भी आपके हो सकते हैं। निवेशादि आपके लिए लाभदायक रहेंगे। रोजगार से आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए भी यदि शमी का पेड़ आप कहीं बगीचे इत्यादि पार्क में लगाएंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। बात करेंगे हम मीन राशि की। मीन राशि के लिए यह सप्ताह विद्यार्थी वर्ग आप शिक्षा क्षेत्र में इस समय आपको उत्तम लाभ प्राप्त होगा। परीक्षा आदि में आपका अच्छा मन लगेगा। इंटरव्यू इत्यादि में आपके उत्तीर्ण होने के पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। आपके लिए यह सप्ताह काफ़ी लाभदायक रहेगा। यदि आप पीले गुलाब का कहीं मंदिर में या इत्यादि स्थानों में आप गमले में लगा करके दान करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो बंधुओं, इस प्रकार आप सभी अपनी राशि के अनुसार कार्य करेंगे, अपनी राशि के अनुसार अपने ग्रहों के अनुसार आप चलेंगे तो निश्चित ही हम आशा करते हैं कि आपको शीघ्र ही और बहुत अच्छी आपको सफलता प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। इसी कड़ी में अगले सप्ताह हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमो नारायणः।